हम ना अभी खटीमा पहुंच गए हैं। खटीमा में यहाँ पे आजकल वो चल रहा है छठ पूजा, तो छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये सब छठ पूजा का स्थान है और क्योंकि छठ पर्व महापर्व है, पर्वों का पर्व है, तो यहाँ छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाना है। और हम यहाँ पे खटीमा ट्रेन स्टेशन में पहुँच गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अनुराधा राणा ऑफिशियल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम और सत श्री अकाल, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइज कैसे हैं आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं खटीमा से, और मैं आई हुई हूं खटीमा ट्रेन के स्टेशन में। तो आज मैं बरेली जाने वाली हूँ क्योंकि बहन शादी होने वाली है, तो उसकी शॉपिंग करनी है हमें, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ बरेली। तो मेरी फैमिली भी जा रही है जो कि बहन पीछे बैठी हुई है, देख सकते हैं, और वो पीछे मेरी जो है ना वो फैमिली बैठी हुई है। तो हम सभी लोग ना अभी बरेली जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, वो 9 बजे आएगी, और ये वापसी वहाँ से यूपी से जो आने वाली ट्रेन है ना बरेली से शायद आ रही होगी, तो ये वही वाली ट्रेन है। तो बाकी की हम अपनी ट्रेन में बैठेंगे, टिकट मैंने कटा ली है। का जी बना रहा हूँ। तो गाइज ये पूरी मेरी फैमिली है, तो हम सभी लोग जा रहे हैं, और ये एक ही भाई है क्योंकि मनी बैंक ये है तो इसको जाना ही पड़ेगा साथ में। तो बाकी की मम्मी और बड़ी बुआ छोटी बुआ है, और ये जो बड़ी बुआ है तो एक ये ट्रेन है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हम लोग भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारी ट्रेन कितनी देर में आती है, हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी रिजर्वेशन तो नहीं, हमने टिकट कटा रखी है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ट्रेन में बैठने के बाद ही मैं आपको मिलूँगी। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो आज जैसा भी होगा मैं आपको पूरे दिन का आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ले तेरे फोटो वीडियो में खींच दे रहा हूँ। तो अभी ना ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो गया है, और देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं खटीमा मतलब बरेली जाने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग भी खड़े हुए हैं, और ट्रेन हमारी आने ही वाली है, और जल्दी से हमें ट्रेन में बैठना भी होगा क्योंकि ट्रेन जल्दी ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है। करेगी तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में, और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। मेरी पूरी फौज यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब बुआ लोग और भाई बैठे हुए हैं, साथ में मम्मी और बहन यहाँ पे बैठी हुई है। तो देख सकते हैं हम लोग एक साथ ही बैठे हुए हैं, अलग अलग नहीं बैठे हुए हैं। ट्रेन चलने के बाद कुछ देर बाद ये दोनों सो गए थे, मम्मी और छोटी बहन ये सो रहे हैं दोनों, इनको पता ही नहीं है मैं सो रही हूँ। और ये मेरी मम्मी है, इसको 3 तारीख को इसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो और वहाँ पे जो भैया है ना वो मुझे देख रही है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी और साथ में हॉकी खेल रही थी। ये वाली हमारी ट्रेन थी, और यह है त्रिवेणी एक्सप्रेस, और हम अभी उतर गए हैं इज्जत नगर में, और अभी हम बुआ के कमरे में जाने वाले हैं। बाकी ये मेरी पूरी फैमिली है, तो ये देख सकते हैं पूरी लंबी ट्रेन हमारी, और अभी हम जा रहे हैं फिर बुआ के कमरे में जाएंगे, वहाँ खाना पीना खाने के बाद आराम करने के बाद फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगी, अभी चलते हैं, और चलने के बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइस देख सकते हैं हमारी ट्रेन कितनी लंबी है पूरी, चला छोर भी ना दिखा रहा ट्रेन को। मम्मी मेरी अब कर फोन लौड़ा है, कोई सवाल नहीं है, वहाँ खुली है, खुली खुली खुली
सामान ले दे लो तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन थी और हम त्रिवेणी एक्सप्रेस में आए थे जो कि त्रिवेणी एक्सप्रेस लिखा हुआ है और ये हम चौथे डिब्बे में बैठे हुए थे। वहां से हम चलकर आए हैं और ट्रेन का कोई छोर नहीं है क्योंकि ट्रेन बहुत ही लंबी है तो बहुत ही दूर तक है और बाकी का देख सकते हैं। तो हम फूफा जी के रूम में जाने वाले हैं गाइस। अब हम सीधे फूफा जी के रूम में जाने वाले हैं। फूफा जी हमें लेने आ गए हैं, वो देख सकते हैं वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं फूफा जी के रूम में और वहाँ से खाना पीना खा के और फ्रेश होने के बाद ही हम शॉपिंग करने जाएंगे। और हमारी ट्रेन वहाँ पे चली गई है। पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये इज्जत नगर का प्लेटफॉर्म है और फैमिली है जो कि फूफा जी के साथ हम जाने वाले हैं। ऐसा जा रहा है जैसे कि जेल से छुट के आए। देखियो मेरी वीडियो आ जाएगी कल परसों, रिलीज हो जाएगी जो फिल्म कल परसों रिलीज हो जाएगी। और डायरेक्टर कौन होगा? हीरोनी और हीरो कौन है भैया? पिछू आ रहा है जे? अब बोल ले हाय। अब बोला तो ये आ गया है फूफा जी का रूम और हम चलते हैं रूम में। बस ऐसे बांध ले मेरे को पकड़ा पड़ी ऐसे हमका साड़ी पसंद ना आ रही है। तो गाइस हमें यहाँ साड़ी पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप देखते हैं क्या साड़ी हमने देख रहे हैं, देख सकते हैं। अच्छी लग रही है रे जॉन, देखेगी वो पर साइनिंग कितनी अच्छी है साड़ी में, जो देखो अगर जो ये नहीं होता ना, ये नहीं होता तो बहुत मस्त लगती है। बॉर्डर के साथ होता खाली बहुत प्यारी लग रही है। बस खत्म। वो मतलब नेंगे की तो वो साइनिंग ना वो। अब भैया आए देखो दिखाने के लिए वो तो नया टका था। ऐसा है ना, अब रेंज है ना बताए वो टाइप को। साड़ी देखिए कितनी मस्त है। देखना ले लिया मैडम जी, ये बहुत बढ़िया है। 200 रुपए की सेल लगी। 200 कितनी बार? 300 बार ना भैया, 300 बार दिखियो। ओके 300 बार और दिखियो। यहाँ पे देखो हमने इतना सारा सामान अभी ले लिया है और ये मेरे भाई के सिर पे है। तो गाइस अभी हम दूसरी दुकान पे आ गए हैं, यहाँ पे हम ना अभी सूट खरीदने वाले हैं। तो बुआ लोग अंदर चले गए हैं और मैं भी अभी अंदर जाने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको सूट का कलेक्शन दिखाऊंगी तो इंट सेक्शन में। और यहाँ से मेरा भाई। तो आज का हमारा पूरा दिन शॉपिंग में जाएगा और अभी हमने क्या कहते हैं ये साड़ी का कलेक्शन ले लिया है, वो भी आधा हुआ है। और अभी हम सूट देखने आए हैं तो यहाँ पे मेरा भाई देख सकते हैं। और ये बाकी का ना हम ये सूट लेने के लिए ये वाली दुकान में आए हुए हैं और वो वाली दुकान हमारी पीछे रह गई है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अब देखते हैं हमें सूट पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। आएंगे तो
दिखाऊंगी आपको, मिलते हैं आपको सीधे वहीं पे। तो ये देखो सूट का कलेक्शन है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, दिखाई। सो गाइस अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे शॉल लेने के लिए। एक बार हम ले गए हैं, दोबारा आए हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और छोटी सी दुकान है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो पिछली बार तो वीडियो बना नहीं पाए और देखो यहाँ पे शॉलों की ढेरी लगी हुई है। बाकी पूरा परिवार हमारा ऐसा ही बैठा हुआ है और ये अभी शॉल देख रहे हैं, देख सकते हैं। जवाहर अच्छा लग रहा है ना? हाँ डबल डबल है रे, मेरे सॉल जैसी है ये। ना ना बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी डबल सेम सब डबल वाला, ये वाली भी करनी है? हाँ दो हो गए। दादी तय भी और एक और कौन सा कलर? ठीक है मम्मी को ठीक है ना? हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। चलो बनियान गाइस अभी हम ना मेकअप का सामान लेने के लिए आ गए हैं। सो हे एवरीवन, आज है डे टू शॉपिंग करने का। तो आज हम फिर से जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और कल तो बहुत ही ज़्यादा ना रात हो गई थी तो हम ना बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हमने शॉपिंग भी बहुत ही ज़्यादा की। आज हम दोबारा से ना शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। बाकी मेरी पूरी फैमिली देख सकते हैं, वो आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे जा रही हूं। तो आज वैसे तो हमारी पूरी पूरी शॉपिंग जो है वो हो गई है। साड़ियाँ हैं, दो चार साड़ियाँ हैं, वो आज हम खरीद लेंगे। अब तो दुकान में जाने के बाद ही पता चलेगा। कल तो बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी और हम बहुत ही ज़्यादा थक भी गए थे तो कल वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ तो आप मेरी वीडियो में आज भी बने रहिएगा। और आज हम रात 9 बजे की ट्रेन से घर की वापसी भी कर लेंगे क्योंकि आज का दिन हम शॉपिंग करेंगे, कुछ कुछ जो बाकी रह गई हैं उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। सो अभी ना मार्केट बहुत ही ज़्यादा दूर है और ये जो मेरे फैमिली लोग हैं ना ये आगे आगे जा रही हैं तो ये ना मुझे पैदल पैदल लेके जा रही है और ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब पैदल ही जाना पड़ेगा, रात में पता चलेगा कि पैरों का क्या हाल हुआ है। अब ये लोग तो चल लेते हैं और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। कितने दूर बची है रे मार्केट? ए फुआ कितने दूर बची है मार्केट? अब तुम तो बहुत तकवाद है। सो गाइस ना अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पे शॉपिंग कोट पहनने के लिए जो कि हम दूल्हे के लिए ले रहे हैं। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे कोट वगैरह दिख रहा है आपको, ये पूरी कोट की दुकान है। तो मम्मी लोग गए हुए हैं कोट का सिलेक्शन करने के लिए, मैं तो गई नहीं, मैं नीचे ही हूँ। बाकी का भी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कलेक्शन दिख रहा होगा आपको पीछे मेरे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। वीडियो बना ली। अरे आजा आजा आजा, वाह कितने अच्छे पैरेट हैं बाप रे। नीचे वाली 15
1500 की। वाह कितनी सुंदर है, लग रही है 1500 की। हाँ तो दिया है मिठू, ए मिठू मिठू। आज हमने जो शॉपिंग किया है ना वो दूल्हे की शॉपिंग करी है, तो हमने ना दूल्हे के लिए पैंट शर्ट और साथ में सूज भी दिला दिया है। तो अभी हम कुछ और शॉपिंग कर लेते हैं जो बची बची है। देख सकते हैं आगे यहाँ पे जितने भी है ना ये बक्से वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो हम आगे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। उनकी साड़ी खरीद ली है, आपको साड़ी अब मैं शादी वाले दिन दिखाऊंगी। तरपाल आपको दिख रहा है ना, ये वाटर प्रूफ वाला तरपाल है, इसको भी हम बरेली से लेके जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं घर और देख सकते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और हमें अभी ना पैकिंग करनी है क्योंकि शाम के 7 बज गए हैं और ट्रेन का भी वक्त हो रहा है, तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सारे लोग मतलब हम के जाने ना दे रहे हैं और जय आराम से बैठी पड़ी हैं। जय हमारे बोझा हैं, कैसे लेके जाऊंगे। तो अभी हम जाने लग गए हैं, कितने से जाएंगे। अरे एक साइड आ जाओ, साइड आ जाओ तो जो हमारे बोझा है, 2 दिन की शॉपिंग है। देखो दोस्तों सभी तो ये सभी के सिर में बोझा लद गया है, मतलब सभी ने अपने अपने सिरों में ये सामान को रख लिया है। ये हमारी 2 दिन की शॉपिंग है शादी की, बाकी आप देख ही सकते हो। तो अभी ना हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और अभी ना 8:30 बज गए हैं, तो अब हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हमारी ट्रेन है 9:40 की, तो हम अभी अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं। वहाँ पे भी हमको ना टिकट वगैरह लेनी है ना, तो अभी टाइम लग जाएगा और थोड़ी देर हम वहाँ पर अभी वेट करेंगे। और मैं आगे आगे जा रही हूँ, बाकी मेरी दोनों बुआ हैं पीछे, बाकी सारे अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं। देखते हैं हम रेलवे स्टेशन कितनी देर में हम पहुँचते हैं। तो चलिए तो एक ये छोटी सी ट्रेन आ गई है। ये वाली जो ट्रेन है ना ये अधिकारी लोगों की ट्रेन है, और ये वाली जो ट्रेन है ना वो वाली जो ट्रेन दिख रही है आपको उसके साथ जुड़ेगी। तो हम यहाँ आगे से चल देते हैं। ये ना ट्रेन वाला होटल है, छोटा सा ये होटल है, यहाँ पे खा पी सकते हैं। बाकी की मेरी फैमिली आगे चली गई है और मैं भी चलती हूँ। किराया बहुत है कि 2 लोग दिख रहे हैं, अब हम जाके टिकट कटाते हैं। बाकी सब लोगों के सिर में कुछ ना कुछ है, आप देख ही सकते हैं गाइस, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऊंचा आसमां से रंग बिरंगा, ये हमारा तिरंगा दिख रहा है जो कि लहरा रहा है ध्वज। ओह छोटा सा दिख रहा होगा, मेरे हाथ में ना सामान है तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ, पर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसको देख के। हेलो तू पीछे रहेगी, ऐसे ऐसे पाँव रखा है तो आराम से। हमारा तिरंगा कितना अच्छा लहरा रहा है ना, और इसकी शान ऐसी ही बनी रहे। व्यू ऐसा है, लाइटिंग दिख रही है, लेकिन कैसे दिखाऊं, देख सकते हैं गाइस, देखो देखो यहाँ से, और ये हमारा तिरंगा झंडा। चलो पापा, तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई है और जो मेरी पूरी फैमिली चढ़ पड़ी है और मैं भी चल रहा हूँ ट्रेन में।
हमारी ट्रेन है और हम बरेली को कर रहे हैं। बाय बाय। चार मूंगफली लेकर आया हूँ दीपक, चार मूंगफली लेके आया। तो गाइस यहाँ पे चार मूंगफली हमको लेके आया है, देख सकते हैं। पांच ही थी, पांच एक तो जद्दा मिल गई। और हमारी ट्रेन चल पड़ी है और हम जा रहे हैं और अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। और हमको ना बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं आई थी ना तो मुझे वो उधर बैठना पड़ा, तो खिड़की के पास बैठना बैठना हुआ नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलते चलते तो सारा तीनों। और मम्मी बैठ गई है ये खिड़की वाले की साइड में। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल में अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। बाय।